कैसे करूँ? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो ये वीडियो है, हम लोग गोपालगंज जा रहे थे, एक दादा की बहन थी, उनका इंतकाल हुआ था, वो उधर ही रहती थी, कोई जगह ना था, कोई करके जगह था, उन्हीं वहीं पे उनकी शादी हुई थी। तो उनका इंतकाल हो गया था, वो काफ़ी बूढ़ी हो गई थी, 115 या 10 साल की हो गई थी तब उनका इंतकाल हुआ था। अल्लाह ताला की तरफ से उनकी बहुत लंबी उम्र आई थी, तो उन्हीं का मिट्टी था, जहर में था, तो हम लोग निकल गए थे। और ये गोपालगंज वाला जो पुल है, मंगलपुर वाला, आप लोग देख सकते हैं, ये इतना काफ़ी बड़ा पुल है कि वो ब्लोरो इतना स्पीड में था तो भी इस पुल को पार करने में हम लोग को 5 मिनट लग गया था। मैं ये पूरा पुल का वीडियो दिखा रही हूँ। ये पुल बन जाने की वजह से गोपालगंज सिवान जाना बहुत आसान हो गया है, लोग इधर ही से निकल जाता है, वरना पहले तो पूरा दिन लग जाता था गोपालगंज और सिवान जाने में। अब गोरखपुर के लिए भी लोग इधर ही से निकल जाता है। ये काफ़ी बड़ा पुल है, आप लोग देख सकते हैं, इस पुल को पार करने में हम लोग को 5 मिनट लगा था। मैं और वीडियो काट दी हूँ। इतना बड़ा पुल, वो तो अल्लाह का शुक्र था कि पूरे में पानी नहीं था, पानी कम था, वरना एक बार इसमें जब पानी था तो हम लोग गए थे देखने के लिए, एकदम हालत ख़राब हो गया था, जब पानी का वो आवाज़ इस कदर आवाज़ आ रहा था ना, पानी एक दूसरे में टकरा रहा था, तो बहुत तेज़ तेज़ आवाज़ आ रहा था, तो उस वक्त डर लग रहा था। लेकिन अभी पानी सूख गया था, पानी था बट कम था। और इसी के नीचे ना वो तरबूज की खेती होती है, जो कि गांव में जिसको लालमी बोलते हैं। एक बार और हम लोग गए थे तो उधर से लालमी लेके ही आए थे, इसी मौसम में, इसी सीजन में हम लोग गए हुए थे, तो उस समय लालमी मिल गया था, लेकिन अभी नहीं है। और उसके बाद से ये देखें, हम लोग ये गोपालगंज शहर से बाहर निकल चुके हैं लोग, जो कि वो दादी के घर जाता था वही रास्ते था। ये पावर हाउस है यहाँ का, इस वीडियो को हमने उधर से आते वक्त शूट किया था। ये मेन चौराहे का वीडियो है, बड़ा अच्छा लग रहा था उधर, ऐसा लग रहा था सब लोग कांग्रेस वाले हैं, क्योंकि हर तरफ कांग्रेस का ही झंडा लगा हुआ था। एक साइड में रोड के इस साइड में कांग्रेस का झंडा लगा था, और रोड के उस पार में बीजेपी का झंडा लगा हुआ था। उसके बाद से वहाँ का, जब हम लोग थावे से निकले लोग, तो वहाँ का जो मिठाई होता है, जो खोए वाली मिठाई होती है, उसको पड़ुकिया शायद बोलते हैं, हाँ शायद नहीं, कंफर्म पड़ुकिया ही बोलते हैं, तो उसको लेना था। तो हम लोगों ने गाड़ी वाले भैया से बोला, तो वो बोल रहे हैं कि हाँ चलो आगे आगे आगे, ऐसे करते 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 हम लोग को गाड़ी एक जगह खड़ा कर दी है, और ना जाने हम लोग को कहाँ लेके चले गए थे, इतना दूर लेके चले गए थे, पता नहीं कौन से होटल था, कि वो बता रहे थे कि वहाँ पड़ुकिया बहुत ही अच्छा मिलता है, तो हम लोग वहाँ पे जाते 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 हम लोग को पैर दुख गया था, फिर वहाँ लेके गए, और वहाँ से हम लोग वहाँ जाकर वो काफ़ी देर के बाद हम वापस तो आते वक्त, तो ये देखिए गोपालगंज पुलिस का वो है स्टॉप, आते वक्त हम लोग रिक्शा लेके आए थे, इतने दूर हम लोग को लेके चले गए थे, जबकि हर जगह मिल रहा था उधर गोपालगंज और वो थावे में, तो हर जगह ही मिल रहा था वो मिठाई, वो बहुत हम लोग को बहुत पसंद है। गोपालगंज कोई भी जाता है तो वो मिठाई ज़रूर लेके आता है, बहुत ही टेस्टी लगता है, पूरे उसके अंदर खोआ रहता है,
आप लोग भी खाए ही होंगे। ये ओवर ब्रिज है, ये गाड़ी ओवर ब्रिज पे चल रहा है। उधर से आते वक्त अचानक से मौसम भी ख़राब हो गया था, बारिश जैसे लग रहा था कि बहुत तेज बारिश हो जाएगी। बारिश हुई थी, मैनेज तो हो गए थे, उधर से वापसी में बारिश हुई थी। उसके बाद से आप देख सकते हैं इधर आ गए लोग, हम लोग अपने होटल में जहाँ से हम लोग को मिठाई लेना था, सब लोगों ने वहाँ से मिठाई लिया। मतलब वहाँ 6 kg पड़ोकिया लिया गया और डब्बा इधर पैक करके रखा गया है।